मनुष्य चित लीला आदि प्रकाश करके यद्यपि कृष्ण के अनेक लीलाएं हैं, क्योंकि मानव लीला जो है अधिक आकर्षक रहा है। कुर्मा बराह आदि भगवान के अनेक लीला है, किंतु मनुष्य चित्र जो लीला जो है वो सर्वाकर्षक कहा गया। इसलिए हम लोग भी श्रवण किया, कृष्ण ने जतिक खेला सर्वोत्तम नरलीला नरबहु गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर नरलीला संग चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की सौंदर्य माधुर्य आदि वर्णन करते हुए कहा, जे रूपेर एक कौन त्रिमन दुआर दुआर। कृष्ण की इतने सौंदर्य है उसके एक कणा भी अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड भी डुबा देते हैं। जो रूप है जिसे कहते कृष्ण के, यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण भी अपने आप आकृष्ट हो जाते हैं। कृष्ण के अवतार आदि भी कृष्ण के रूप देख करके शोक प्रकाश करते हैं। देखिए वासुदेव जी को प्रद्युम्न अनुरुद्ध और शंकर, ये वासुदेव कृष्ण भी छवि कृष्ण कितने सुंदर हो, जे रूप के दर्शन करके ऐसे संसार में कोई व्यक्ति नहीं जो मोहित न हो। काश तरंग थे कलम आदम तो वेणु गीतम, जिनकी इतने सुंदर रूप सभी मोहित होते, केवल स्त्रियां नहीं हैं, सभी लोग मोहित हो जाते हैं। स्त्रियां तो मोहित हो जाना एक स्वाभाविक व्यापार है, किंतु पशु पक्षी लेकर के नायक स्थावर जंगम भी कृष्ण के ऐसे सुंदर रूप देखकर के मोहित हो जाते हैं। और शांत शांत कृष्ण के वेणुध्वनि कैसे कि सबके जो है स्तब्धीभूत कर देते हैं, स्तब्धीभूत माने स्टैंड करा देते हैं, जड़वत करा देते हैं, सब भूल जाते हैं। कृष्ण के जब कृष्ण जब वेणुध्वनि करते हैं, नदियां की जलधारा जो है वो प्रवाहित नहीं होते, नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्ष्मीत भवग्न भेदीरा। ये देखो गोविंद की वेणुध्वनि कैसे है, ये जो जड़ को क्या कर देते हैं, इसको भी चेतन करा देते हैं, चेतन के जड़ बना देते हैं। नृत्यकार वेणुदिक में इतने सुंदर सुंदर श्लोकों के द्वारा सुखदेव को संग वर्णन करते हैं। पशु में देखो धन्नास मोह मृगत हिरण्य गीता जनन पात्र विचित्र वेश ललितम हिरण्य गोविंद के ऐसे सुंदर रूप और वेणुध्वनि के सुन करके दौड़ने लगे, और दौड़ते दौड़ते जहाँ पर कृष्ण बंसी में आनंद करने में वहीं पर आकर के बैठ जाते हैं। अब कृष्ण भी उसको हिरण हरिणी के पीठ पर थपथपाते हैं, धन्यात्म मुरलत हिरण में एक चित्र भेषम आकर्ण वेणुणितम सह कृष्ण सारा पूजा विलोम प्रणायाम उस जाती है।
इसलिए वो लोग अपने हृदय के लिए प्रेम कैसे आदान प्रदान कर रहे हैं अपने नेत्रों के द्वारा, भावों के द्वारा, आंखों के द्वारा, कैसे हृदय के भाव को तो पशु पक्षी से लेकर सभी रविंद्र के रूप और वेणु के संतर के नाम में क्या होता है, वेणु किसे प्रमाण दिए और कृष्ण की इतनी सुंदर लीलाओंगी कैसे लीला दिखाओ, लीला मान क्यों इतने सुंदर सुंदर लीला आदि करते हैं, गोचारण लीला से लेकर के वास्तवस में वो भी लीला में कोई लीला कमी नहीं। इससे सुखदेव गोस्वामी जी कहना इतन सदान ब्रह्म सुखानुभूतम दत्तं गतानि परदैव तेन माया सीतानां नरदारुकेन सार्थं विजहु इदमुक्तं बोलिया। जो अद्वैतवादी लोग कृष्ण के जो ज्योति में प्रवेश करना चाहते हैं, इतन ब्रह्म सुखानुभूतम दत्तं गतानि कोई लोग परदैव परदैव जो दासरस के भक्त जो कृष्ण के परदेवता मानते हैं माया सीता नरदार के, और जो लोग माया के द्वारा संपूर्ण रूप से मोहित है और कृष्ण के साधन में एक गोपाल मानते हैं साधन विजय के जमुन में बोल दिया और चाहता हूँ कि ऐसे कौन सा पुण्य ये गोविंद के साथ कैसे व्यवहार करते सखा और पीठ पर चढ़ जाते अपने उचित अधिग्रहण देते हंसी मजाका भी करते रहते हैं। कन्हैया आंख बंद करो ये रसगुल्ला तुमको मैं खिला, और कन्हैया आंख बंद करके बैठे और सखा लोग क्या करते सब जो रसगुल्ला जी जो था रसगुल्ला को गपा टप कर दिए। जब खाना पूरा हो गया उस समय के बाद कृष्ण बोली अरे तुम लोग क्या किया हम तो आपको रसगुल्ला खिलाए, एक फूल लेकर के कोई सखा जो है रहेंगे मुँह में डाल दो। तो कृष्ण आँख खोले तो ये तो फूल है रसगुल्ला खरी रसगुल्ला कहाँ गए, सखा लोग कहने लगे हम क्या करें एक असुर आ गया था कृष्ण उसुर के नाम सुनते ही बस है वो कहाँ है दिखाओ तो सखा लोग कहने लगे उसुर तो हम पेट में छुपे पेट में छुपे क्या नाम है उसका है लोभासुर लोभ असुर हम लोभासुर लोभ कहाँ रहते हैं। तो इसी प्रकार कृष्ण के साथ मानने कैसे कैसे लीला के करते रहे कितना मधुर मधुर लीला है कृष्ण कोई नहीं भी कोई भी लीला उठाइए कितने मधुर लीला और रामचंद्र आदि भी ये सब मधुर लीला है ना राहुल रामचंद्र ने तो दिखाया क्या वो का कृष्ण ने ये लीला कथा है। एक बार भगवान रामचंद्र कहते के कौशल के आंगन में बैठ कर के वो खा रहे मलपा आदि खा रहे जैसे भोजन कर और उसने कोवा आगे वहां पर बैठे निकट देख लो हमारे प्रभु की कैसी लीला है इतना सुंदर रूप है भगवान रामचंद्र बाल रामचंद्र कितना सुंदर नंगे धड़ंगे सर में कोई कपड़े नहीं है छोटा बच्चा देखिए इसके बाद तार भूषण जी को विचार करने लगी प्रभु की थोड़ा उचित प्राप्ति हुई तो ऐसे करने के वो कोवे ने किए कि भगवान रामचंद्र के बाद रामचंद्र के पास
और उसके देखते ही बस बालराम जो है रोना शुरू कर दिए, मैया मैया। तो उसमें कार्तिकेय के मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि ये परब्रह्म भगवान है, ये मुझे पहचान नहीं पा रहे, ये मैं उनके वित्त परिकर हूं। भगवान ने देखो अब मुझे पहचान और मुझे देख करके बाद रोना शुरू, कहीं अनर्थना सृष्टि हो जाए, इसलिए कहो कालभूषण जो पीछे। फिर कालभूषण ये नीचे श्रीनगर में वो भगवान रामचंद्र बाल जो रामचंद्र कौवा भी पकड़ने के प्रयास, कौवा बेचारे नहीं पाला दे कहीं मुझे पकड़ करके मेरा गर्दन के नेट वही कर दी, ट्विस्ट न कर दी, मार मिला इसको पीछे। देखो वो कौवा के पीछे जब ये भगवान रामचंद्र हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए और कौवा भागने लगे उसके पीछे पीछे, भगवान रामचंद्र भी बाल बाल रामचंद्र के बीच में चले और कौवा उड़ते उड़ते जाने कितने दूर चले गए और वही दृश्य देखा है। हाथ ऐसे रामचंद्र ऐसे हाथ फिर देखते देखते प्रभु को संभव नहीं है, प्रभु के साथ दौड़े उड़े ऐसे की संभव होता है। तो अंत में कौवा हमारा भगवान रामचंद्र बाल रामचंद्र समझ गए थोड़ा हंस दिए और कौवे भगवान रामचंद्र की उदर में प्रवेश किया और उधर में प्रश्न तो वही नहीं रहते प्रश्न निश्चित नहीं है। फिर भगवान रामचंद्र उनको मन से मुख से बाहर निकल गए आदि का वही नहीं रहा। तब उन्हें स्थिति कर लिए प्रभु आपके लीला की समझ नहीं आई। तो इसी प्रकार जो लीला रामचंद्र ने सब लीला दिखा गया किंतु उससे अधिक सौंदर्य लीला में कृष्ण लीला में एक मशहूर है। कितना सुंदर बाल गोपाल माँ तथा के आंगन में ऐसे कैसे नरवर लीला भी करते हैं। तो फिर मैंने कहा कृष्ण पहले कानून चोरी लीला कहाँ की अपने गृह में माँ जसोदा ताजे ताजे मक्खन को जो है मैं जो घड़ा में रखा और दरवाजा को थोड़ा सा हाथ कर बंद कर दिया। गोपाल ने किए थे दरवाजा खोल और ताजे ताजे माखन की जो है और उनके परछाई तो क्या बोले मणिमाई पत्थर में जो पड़ने लगे कृष्ण निश्चित में लगे ये कोई और कोई बालक होगा। कृष्ण भी कुछ आश्चर्य परछाई को देख कृष्ण कहने लगे तुम मेरा मित्र हो बोलना ना और वही छाया तो ही करते हैं एक ही होता है। और इधर बोलते प्रभु माँ जल्दी बुलाया बोले भैया आ जाओ तुम्हारे बालक क्या करें देखो। तो दर्जा की प्रभुदर छोटा सा खुला हुआ था तो ऐसे कहते थे मुझे और ये मंत्र तुम्हारे ये पर कैसे लगा बोले मैं नहीं बोल रहा मित्र ने लगा। इसी प्रकार अनेकों जो पालोचित जो लीला कृष्ण माँ जन्म की अनंत कितने लीला है अगणित लीला एक नहीं जो दामबंधन की लीला वर्णन की जा रही है तो एक दिन की लीला इससे अलावा ना जाने कितने कितने लीलाएं जो है कृष्ण वृंदावन में है। इसी कोई बात नहीं इसे कोई बता नहीं पा इसे कितने मजबूत किया इसके अंत में सुखी प्रसुद्ध करना पड़ा नमो
राधिकाई तुझी अपनी आ गई रमानंद लीला है ये माया खुश है। ये प्रभु आपके बारंबार प्रणाम है, बार बार प्रणाम करता हूं, आपकी लीला अनंत है, रमानंद लीला है ये माया खुश है। और कृष्ण के अनंत लीला में सर्वश्रेष्ठ लीला क्या है? रास लीला। कृष्ण के इतने सुंदर मधुर जो रास लीला है वो कौन बने? रास का श्रवण की भी बाधा नहीं करता, उसके अनुकरण करने की शास्त्र मना करते हैं। निरंतर समाज के जातु महाजाति मन के द्वारा ही लीला के अनुकरण न करें। यथा मूर्त औद्धिज विषय शिवत्व नहीं प्राप्त करके कोई यदि और विष को पान कर दिए उसकी मृत्यु अवसंभावी है। ठीक उसी प्रकार भगवान की राजता भी अनुकरण न करे। इस कथा को श्रवण करने के लिए नहीं माना, माना ही क्या? ये तो श्रवण करने के लिए भी कह रहे हैं, सुनो क्या करें। विद्युतं बलुरी लंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्धान पद पढ़ने देता हूँ भक्ति परायण भक्ति प्रतिलब्ध काम जिन लोगों आप अचीर जो धीर विद्वान व्यक्ति है इस बात को बार बार श्रवण करते हैं। विद्युतं बलुरी लंच विष्णु श्रद्धान्वितो कैसे श्रवण करो? अत्यंत काल श्रद्धा की अनुसन्ना श्रवण के बाद अथवा निरंतर श्रवण करो जब तक तुम्हारी हृदय मन नहीं हुई भक्ति प्राण भक्ति प्रतिलोभ काम गुरु भगवान की ऐसी मधुर गीता कथा श्रवण करने से पहले तुम्हारी प्रेमा भक्ति किसी परमात्मा की भक्ति तुम्हारी हृदय में उदित हो पा सके और इसके पश्चात हृदय में जितने प्रकार की अनर्थ हुई है वो नाश हो जाए। साधना में विचार है क्या? पहले अनर्थ के नाश करें, काम क्रोध की धूरी भी बताए और इसके बाद धीरे धीरे जो मां के कृपा से भक्ति भी होगी। किंतु यहाँ पर परिमंडल को दिखा भक्ति पहले प्राप्त हो जाए। प्रश्न उठता है हृदय में काम क्रोध आदि रहने पर अंतर में एक कैसे उत्पन्न हो? इसके शंका मत करो। जिस प्रकार कोई अनजान में यदि अमृत को पान कर ले वो क्या हो जाता है? अमृत यथा अगर राज जीव अगर राज बने अमृत हे माँ स्त्रियो वनचारी व्यभिचार दुष्ट कृष्ण ही के जैसे परमात्मा की रूढ़ भाव नन्न सरो श्लोकों के द्वारा राधारी गोपियों की स्तुति अधिक करने ये स्तुति में ही वर्णन कर दिया है। गोपियों की कथा राधा की कथा यदि श्रवण कर लिया इसमें कोई संशय नहीं है आपके हृदय में यदि अवश्य ही प्रेमान यदि अपराध नहीं करे यही तो दिखा दिया। कितने सुंदर सुंदर श्लोकों के छह श्लोकों के द्वारा उद्धव वेदांत सूत्र के अनुसार उपक्रम और क्या बोलते हैं उपक्रम उपसंहार ये समस्त इच्छा इसके द्वारा स्तुति अभी कर दिया है। कितने सुंदर श्लोक
समस्त पृथ्वी पर समस्त लोगों की जो है पवित्र करने वाले कौन से कथा है? टीकाकारों ने कहा कि राधा जी की चरण कमल की धूल हमें प्राप्ति हो जाए। जिनकी ऐसे सुंदर कथा जो समस्त पृथ्वी लोग के लिए पवित्र भगवान कैसे लीला, कितने मधुर सुंदर लीला बराबर। कृष्ण की लीला छोड़ करके और लीला सुनने के लिए पुराना की कथा सुनने के लिए जाती हूँ। बोले जिस प्रकार समुद्र के छोड़ करके जैसे कुएं के तरफ कोई जाते हैं, राधादि गोपियों की प्रेम माधुर्य जो है मानो अनंत समुद्र के भांति है। पुराण आदि की जो कथा है वो सामान्य कुएं आदि की जब के हो इतने सुंदर सुंदर उदाहरण आदि देखी जिसे कभी एक बार भगवान की भागवत में रस में किसी को असाधन हो जाए और दूसरी कथा में से कभी असाधन नहीं हो लगे। गुरु परंपरा से हमें प्राप्ति वो मुखारविंद से श्रवण की ये विशेष वैशिष्ट्य दिला रहे। भागवत की कथा को अनेकों तो पारायण किया, समझ रहा है क्या बोला? भागवत की कथा अनेकों जो है तो पारायण किया, उन्हें कथा श्रवण कराया, किंतु सुखम खात सुखदेव प्रसन्न के मुखारविंद से श्रवण की एक विशेष वैशिष्ट्य बता रहे। क्यों? बोले सुखदेव प्रसन्न पास साक्षात रूप में राधा जी की मुखारविंद की जो अमृत को जो है वह श्रवण किया है। पुराण की एक श्लोक है, क्या श्लोक है? एक दिन जो है सेंट श्रीमती राधिका अपने सुख के जो है गले में लगा करके आलिंगन कर रही है और उनके क्या करने लगे, आलिंगन चुंबन चुंबन आदि कर रही है। अत्यंत प्यार होने से जैसे ही माता पिता अत्यंत प्यार से जैसे अपने पुत्र कन्या गोद में बैठे करके जैसे बार बार चुम्बन आदि करते हैं, तो उसी प्रकार सुखदेव श्रीमती राधिका जो है एक बार श्रीमती राधिका वो अपने प्यारी जो सुख जो है सुख पक्ष बच्चा जो उसके लेकर के गोद में बैठे करके बार बार चुम्बन करते हैं। सुख भी कम नहीं है तो करें सुख पक्षी क्या करने लगे, वो भी राधा जी के भांति अनुकरण करें। उन्होंने क्या किया, अचानक राधा जी के मुंह में
अपने चंचू को लगाया, चंचू समझते हो, और साथ ही साथ राहत की महारत की जो अमृत जो है वो पान कर रहा है। इसमें तो पराणी का नहीं करना, तात्पर्य क्या है, ये राधा जी की मुखारविंद की जो अमृत को जो पान करते हैं उनकी कथा क्यों मिठास क्यों नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं ये अनेक लोग तो भागवत कथा आदि पारायण करते हैं बोलते हैं, पर सुखदेव गोस्वामी पाठ के लिए इसे वही विशेष महत्व क्या है, यही महत्व इतने मधुर है। जिस कथा को सुनने के लिए सुखदेव गोस्वामी का पास के पिताजी वैष्णव भी बैठे थे, जिसने भागवत लिखा, जिसने भागवत सुनाया, चलो मेरे बेटा कैसे किंतु देखो, और उनकी क्या बोले, क्या लगते हैं पराशर ज्योतिष इसमें लिखा, व्यास पराशर आदि बड़े बड़े ऋषि लोग भी सुखदेव के मुखारविंद से भागवत सुनने के लिए विराजमान है, उनके दादा लगते हैं ग्रंथालय पराशर ऋषि उसकी भागवत मिल जाए, इतने सुंदर कथाएं जो, और सुखदेव उसने बोलने की शैली भी कैसे अत्यंत मधुर विचार से कथा भी सुनते हैं, कथा तो सभी बोलते हैं किंतु कथा सुनकर के हृदय में यदि व्यथा नहीं हो वो कथा कथा नहीं है। पंडित लोग कहते हैं कथा सुनकर के हृदय में क्या होना चाहिए, व्यथा होनी चाहिए, तात्पर्य क्या है, हमारी हृदय को स्पर्श करे, विरह अनुभव करे, इसलिए कहते हैं कथा कथा नहीं है, कथा वास्तव हृदय की जो है द्रवीभूत करते सुखदेव से जो, और कैसे बोले, खाए पिए बिना खाए पिए बस सात दिन सात रात बोलना सीखा, आप भागवत में आ रहे, कोई इसमें ये नहीं है इंटरप्टेड नहीं है, कथा इसमें चलते लगे कभी कभी सुखदेव गोस्वामी पाठ कथा बोलते बोलते समाधिस्थ हो जाते थे, परीक्षित महाराज जी बोले प्रभु हमें अमृत कथा को बार बार पान कराइए, हम लोग एक घंटा पाठ हो हम लोग बैठ नहीं पाए, सही की तरह सीखते हैं, कहते महाराज हो गया बंद कर दिया, किंतु देखो उस सभा में सुखदेव गोस्वामी देव कथा बोलने लगे और परीक्षित महाराज जी कथा सुनने लगे, बोलते जाए हो सके और श्रोता सुने नहीं सुने वो चले जाए, जो परीक्षित महाराज जो है कथा सुना श्लोक है श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध में इस श्लोक के द्वारा दिखा है, अरे मेरे मन में एक शंका था क्या उसमें चलो, जब इस श्लोक पे जब पढ़ा और वैष्णव के बुखार में श्रवण किया तो देखा वास्तविक स्तूप में स्पष्टीकरण कर दिया है, तो देखो कथा में इतने आनंद है, तो आए ऐसे कृष्ण की सुंदर जो मधुर लीलाएं जो है कौन सुनानी चाहते हैं, इसी कहते हैं फिर पुनः भागवत में रख लीजिए निकृत तरसी उपगी हमारा बहुत सदस्य मनो विरा कौतम श्लोको गुणानुवाद गुमान विरजे बिना वसु बिना वसु के हनन करने वाले जो व्यक्ति जिस
कठोर हृदय वाली कोई कथा सुना नहीं चाहते, और बाकी सभी लोग आनंद उत्साह उल्लास का श्रवण करते साधु साधु पदे पदे, जैसे कोई भोजन लड़ूक व्यक्ति है। भोजन लड़ूक समझते हो, उन्हें भोजन करने में जिसकी अत्यंत जो है आग्रह रखते है, जिनके जठारग्नि बहुत व्यर्थ, ऐसे भोजन लड़ूक व्यक्ति कैसे चल, और जब भोजन करते हैं प्रति ग्रास ग्रास में एवरी पुस्तक क्या करते हैं आनंद उत्सव, आहा 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 है? हम हवन करते हैं ना, स्वाहा ओम स्वाहा, और विद्वान क्या करते हैं बड़े इतने समय बैठे हैं आहा क्या बोला, क्योंकि भाई हम जब भोज हवन करते हैं, हवन के समय मंत्र हम जब करते हैं है? तो उस मंत्र में अंतिम शब्द क्या होता है, स्वाहा कृष्णाय स्वाहा है। बोले इतने समय जुर्मान करते हैं भाई, कब कब तक तुम इसे स्वाहा करोगे, हम पीठ में दर्द हो रहे हैं, इसको स्वाहा नहीं करके वो क्या होते हैं आहा। आहा भी दो प्रकार का होता है, एक कष्ट से आहा करते हैं और एक आनंद से आहा, इतने सुंदर भजन है। साधु साधु पदे पदे जिसे कहते हैं उल्लास होता है, भोजन करके जैसे हमारे हृदय में क्या होता है उल्लास होता है, आहा कितने सुंदर भजन है। शक्कर रस में दिखाते हैं मधुमंगल आदि जो भजन करते हैं कितने आनंद उत्सव मनाते हैं आहा। इसलिए आहा शब्द तो दो प्रकार के, एक कष्ट से और एक आनंद उल्लास से भी होता है। इसलिए साधु साधु पदे पदे श्रीमान भागवत ऐसे भजन कर रहे हैं, प्रति क्षण क्षण में आनंद की लहरें चलती है। इधर विस्तृत तत्व को किया माना बहु सदा सूत्र मनोभिराम का उत्तम श्लोक गुणानुपादक मानव विरोधी बिना तो सूत्र, ऐसे भगवान की कथा कौन सुनते। आप बता अद्वैत पथ में जाने वाले भी व्यक्ति ही भगवान की कथा सुन लिया वही कथा के सुन, वो अद्वैतवादी यानी मार्च इन ब्रह्म में जो लीन होने का वो छोड़ दे दीक्षा। इसके बाद दास पिता अद्वैत मार्ग में चलने वाले भी व्यक्ति भी वृंदावन में आ जाए, और वृंदावन की ऐसी मधुर भूमि मधुर काम प्राप्त कर कथा सानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा केना भी सठिन वयन है। और के दासी पिता गोमधु तीर्ण, और मुझे क्या बना देते क्या चीज, दासी पिता गोपवधु पीटे गोपवधु की जो पीठ उनके पास है राधिकार दासी बनाते हैं, कि वृंदावन की ऐसे मधुर से मधुर लीलाएं जो हम पर विराजमान है, ये वृंदावन की साधन साक्षात रसमय भूमि है, जिस भूमि के स्पर्श करने से ही अपने आप हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए उज्जैन में निर्मणि ग्रंथ में वर्णन होते जाए, हस्तिनापुर के रहने वाली कोई लड़की जो है विवाह भी करके कहाँ आई है वृंदावन, और उन्हें वृंदावन में आपके वृंदावन के ध्रुवीकरण में प्यार रखने के साथ ही साथ उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। और विवाहित थी अपने पति को भूल गई,
और कृष्ण भी क्या मान लिया है के रूप में शिकार कर। इसमें तो बहुत टीकाकारों ने अनेकों प्रकार के बदल दिया, क्योंकि वृंदावन की भाव तो सर्वोत्तम भाव क्या है, उपपति भाव, उपपति भावी मोह से गोपीगण उपपति भावी जो मैं कोई में अपना प्रभाव उपपत्ति जो भाव ये सर्वोत्तम दिखा दिया है। लोगों की पता ही नहीं है क्या चीज है, काम क्रोध में संसार में भरे कहां ये सब भाव कौन समझेगा, कौन सुनेगा, कौन बोलेगा, बोले तो वह तो वक्ता तो है अस्त से वक्ता कुशलस्त श्रोता श्रोता मिलना भी बहुत कठिन होगा। इसीलिए समझते इतनी सुंदर सुंदर ब्रज की कथा जो है इसमें मैं जो शुरू किया था ये कृष्ण नित्य प्रलोक वृंदावन धाम में जो ब्रज की लीलाएं जो है भगवती भाव की लीलाएं इस जगत में प्रकट करा दिया, और इस कथा को तो श्रवण करे कीर्तन करे अनुसरण करे वो अति अवश्य ही प्राप्ति करे। ये समझ तो दिखा ब्रज एक अपर अपार मधुर स्थान, ब्रज की महिमा जितने भी कह लो ज्ञात हो सब रूप नहीं हुआ, और कथा में तो ज्ञातों की रूप हो जाते हैं रूप जाता है, किंतु ब्रज की लीला कथा से कभी समाप्त नहीं आनंदमय ब्रज। अब बता कहाँ तक सुदेव उसमें स्तब कहाँ तक ब्रज की इसके सही भगवान अपने परिकरों के साथ धामों के साथ वे गिरिराज गोवर्धन के लेकर जा रहे हैं, जमुना के लेकर सब कुछ लेकर के आकर के निरंतर और वो लीलाओं पर जो है दर्शन कर। वो जो श्लोक है वो अति हुआ दुर्लभ श्लोक है, क्या श्लोक है अनुग्रह वक्ता नाम इस श्लोक में पढ़ कितने दिन प्रोग्राम कर दिया अनुग्रह वक्ता नाम मान कर दिया मान कितने श्लोक हम भगवत प्रायण हो जाए लीला परायण परो अयन अयन लीला के आश्रय कर इसके भी टीका था इतनी सुंदर बन गया भगवत कथा में हम आश्रय भगवान में आश्रय करें भगवत परायण लीला परायण ये सब के लिए पर अयन परायण अयन सबके लिए आश्रय उसमें अविष्ट हो जाते जब कथा में अविष्ट हो जाते और संसार की विषय कोई नहीं रहे संसार पुकार काने ना खुशी में देह रोग दूरे जाते संसार के पुकार जब कान में प्रवेश नहीं करे और देह रोग अपने आप दूर हो जाते तो इस कथा को बार बार श्रवण करते हैं स्मरण करते हैं पंचा पार सुंद पतिता नाम पावन भो वैष्णवी भो।